नमस्कार, आज हम आपको शिक्षा के व्यापार का एक बड़ा खुलासा दिखाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मात्र 200 से 300 रुपए में मिलने वाली सफेद कमीज को 500 से 600 रुपए तक बेचा जाता है, कैसे केवल एक ही दुकान से उस स्कूल की किताबें मिलती हैं, पर यहां अभिभावक लाचार नजर आते हैं, पर अभिभावक कैमरे के सामने आने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर सताता है कहीं उनके बच्चों को प्रताड़ित ना किया जाए। क्या खूब कहा था किसी ने, शिक्षा हर भारतीय हर छात्र का मौलिक अधिकार है, पर जब शिक्षा व्यापारिक रूप धारण कर लेती है तो चाहे छात्र हो या उनके अभिभावक, दोनों ही लाचार नजर आते हैं। देखिए टीवी नेशन न्यूज की खास रिपोर्ट। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज और देश का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है, लेकिन आज उन्हीं के शब्दों को ठेस पहुंचती है जब शिक्षा को व्यापारिक रूप दे दिया जाता है। ये जो बिल आप देख रहे हैं ये किसी 5 सितारा होटल का बिल नहीं है, ये 5वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र की यूनिफॉर्म का बिल है। ये वही बिल है जो अभिभावकों को परेशान कर देता है। पहले की बात करें तो स्कूल की यूनिफॉर्म हो या किताबें, आप किसी भी दुकान से ले सकते थे जहां से पेरेंट्स चाहें, पर अब उनके लिए मजबूरी बनती जा रही है कि जहां स्कूल वाले कहें वहीं से किताबें और यूनिफॉर्म लेनी होगी, वो भी मुंह मांगे दाम पर। और फिर चाहे बात करें स्कूलों द्वारा एडमिशन फीस के नाम पे लिए जाने वाला मोटा सारा धन। तो जब इस मुद्दे को लेकर हमने बीजेपी लीडर सुमित शर्मा जी से बातचीत की, उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी, आइए देखते हैं। देखिए, बहुत बड़ा एक स्कूल वालों ने, प्राइवेट स्कूल वालों ने एक हब बना के रखा हुआ है और लोगों में जो इस तरह के कोविड का भी एक ऐसा सिस्टम चला जहां पे लोगों की हालत खस्ती थी, लेकिन तब भी उन्होंने फीसें ली और यहां तक कि फीसें लेने के बावजूद भी उन्होंने तरस नहीं खाया है लोगों पे। उनको जो है पेपर्स तक बच्चों के रोक दिए गए थे कि हम इनके जो एग्जाम से तब तक नहीं लेंगे, इनके रिजल्ट तब तक नहीं देंगे जब तक फीस ना दी जाए, जबकि क्या ऑनलाइन में पढ़ाई हुई क्या नहीं वो सब जानते हैं। और ये बहुत ही बड़ी गलत बात है और इस तक की आवाज़ जो है हम आगे तक ले रहे हैं। तो जिस तरह की आप ये हरकतें कर रहे हैं उनके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर प्राइवेट वाले स्कूल अपना ये नहीं करेंगे सिस्टम बंद, तो जहां तक हम उनको प्राइवेट स्कूल वालों को एक वार्न कर रहे हैं कि देखिए या तो लोगों की तकलीफ को समझिए, लोग भी इस टाइम बहुत घबराए हैं, उनकी भी हालत ठीक नहीं है, उस हालत को समझते हुए या तो आप लोग उनके साथ तरीके से एक सिस्टमेटिकली तरीके से जहां तक उनके एफर्ट्स हैं वहां तक ही करिए, अगर ज्यादा करने का प्रयास किया गया तो नतीजे फिर आप जल्दी देखेंगे। हमने इस मुद्दे को लेकर पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित कपूर से भी बातचीत की, आइए देखें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की लूट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज मुझे पेरेंट्स की कॉल आ रही है कि स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, एनुअल एडमिशन के नाम से लूट कर रहे हैं, पूरा इकट्ठा एनुअल चार्जेस ये आपसे नहीं ले सकते। अगर एक साल का 6,000 रुपया एनुअल चार्जेस ये ले रहे हैं, अगर जेके एफएफसी का अप्रूवल है तो 6,000 रुपया भी वो इकट्ठा नहीं ले सकते। बुक्स एनसीईआरटी के सिवा दूसरी ना लीजिए, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट स्कूल जितने भी है सबने अपनी पब्लिश की हुई बुक्स लगाई है। हर साल सिलेबस क्यों, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 3 साल के बाद सिलेबस चेंज होता है, तो हर साल बुक्स चेंज कैसे हो जाती है हर एक स्कूल की। यहां से पता चलता है कि प्राइवेट स्कूल बुक्स के ऊपर कितना बड़ा नेक्सस चला रहा है और इसमें शामिल है हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब। अगर एलजी साहब शामिल नहीं तो आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? आखिर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट यूनिफॉर्म का नेक्सस क्यों बंद नहीं करवा पा रही? आखिर क्यों जब भगवंत मान जी ने आते ही ये ऐलान कर दिया कोई भी प्राइवेट स्कूल 2 साल से पहले यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर सकता, तो जम्मू कश्मीर में हर साल यूनिफॉर्म क्यों? और इस बिजनेस को बंद करवाने के लिए जम्मू कश्मीर के एलजी साहब टोटल फेलियर हो चुके हैं। आप सोचिए कि कितना करोड़ों रुपया ये नेक्सस इकट्ठा करते हैं, कितना पैसा इकट्ठा करते हैं और कितने फंड्स जो है वो गवर्नमेंट इनसे लेती है। आए दिन मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को स्कूल में बढ़ती फीस ने परेशान कर रखा है, अभिभावक भी लाचार नजर आते हैं क्योंकि इन स्कूलों ने लोगों को लूटने के लिए नया तरीका अपना लिया है। पहले बच्चे दूसरे बच्चों से किताबें ले लेते थे, लेकिन छात्र ऐसा ना कर सके इसलिए स्कूलों ने अब हर वर्ष पाठ्यक्रम बदलने का ही रिवाज सा बना दिया है।
और अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो उन्हें ये खौफ सता रहा था कि उनके बच्चों को प्रताड़ित ना किया जाए, इसलिए हमने उनके फेसेस ब्लर किए। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म भी ले आओ, मतलब एक ही मैचिंग में करो, ये और ये ना होता है, फिर थोड़ा देखना चाहिए ना इनको भी कि भी अभी कोरोना चल रहा था, अभी मतलब खत्म हुआ है वो, तो थोड़ा इनको सिस्टम देखना चाहिए ना थोड़ा। एक ही यूनिफॉर्म बाहर से ले, स्कूल से क्यों ले? हाँ, कहीं से भी ले, कहीं से भी ले। अब गरीब बच्चे बेचारे वो कहाँ से लेंगे? स्कूल वाले रेट इतने हाई रखते हैं, तो स्कूल है बड़ी महंगाई पाई हमारे। कताबा लाओ इतू सब गड्डिया पैसे लाए, दो दो हजार रुपया जो ट्रांसपोर्ट है उन्हें दिया, हजार रुपया दे देने गड्डी का, उतू भी पैसे कमा दे, कताबे पैसे कमा दे, वर्दी पानी दुकान तू लाओ वर्दी, उत्थे कमीशन रखी देने, दुखी उ कि बच्चे पढ़ाने, महंगाई बच्चे स्कूल आखिर एडमिशन बंद कितने मोदी ने, उत्थे एडमिशन लाए दे, एडमिशन फीस एनुअल फीस लैती है, कन्नै फीस लैती है, वर्दी भी जी एक जगह थोड़ी है, कताबा वह भी एक जगह थोड़िया हूँ। उस स्कूल वाले का कहना कि पता दुकानदार कन्नै केह कीते दा, फिक्स कीते दा, कुछ नहीं कीते दा, उहे ना, क्योंकि कताबा भी एक जगह थोड़िया, पहले गए लैन तो जी इन्नी तरीक आओ इन्नी तरीक आओ, चार पाँच दिन तो कताबा नहीं थोड़ी, पहले महंगा महंगा पूरा प्रिंट रेट। तो हमने एक स्टूडेंट से भी बातचीत करने की कोशिश की, आइए जानते हैं क्या उसकी भावनाएं थी। हाँ सर, हो रही है, स्कूल वाले बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक ही दुकान से लो और उसके साथ में मैच करता हुआ मास्क के लिए भी बोल रहे हैं, तो हम मेरी ये डिमांड है कि हमें ये फ्रीडम मिले कि हम कहीं से भी यूनिफॉर्म परचेज कर सकें और मास्क भी कोई सा भी लगा सके, क्योंकि हर एक माँ बाप जो है पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि इतनी स्ट्रिक्टनेस ना हो और शॉक्स भी एक ही कलर के बोल रहे हैं। स्कूल ड्रेस भी किसी विशेष दुकान से ही मिलती है जिसके दाम हजारों में होते हैं, अभिभावक लाचार नजर आते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, पर प्राइवेट स्कूल तो मुंह मांगी फीस वसूल करते हैं। टीवी नेशन न्यूज की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप, आशा करते हैं इस पर जल्द कार्रवाई होगी।